आप सबको स्वागत है। आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 30 जुलाई की शुरुआत की, और ये महीना अब खत्म होने वाला है, एक दिन और रह गया है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम खुशी का जो खजाना है वो अपने अंदर हम भरें, हर दिन मेडिटेशन करें, परमात्मा से जुड़ें, परमात्मा से खुशी लें और दुनियावी चीज़ों से डिटैच होते जाएं। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भवा, और वो खुशी देना ही खुश नसीब बनना है। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर रुकते नहीं हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। और सबसे बड़ा खुशी का खजाना यही है कि दुख की दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन इंसान सोचता है खुशी देना मतलब कुछ खरीद के देना, कुछ चीज़ बना करके दे देना किसी को, या कोई चीज़ कहीं से ला के दे देना, और ये लिमिटेड खुशी है, हद की खुशी है। लेकिन परमात्मा बेहद की खुशी की बात कर रहे हैं कि ये दुनिया गई की गई, मतलब कि अब पुरानी दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया खत्म हुई की हुई। परमात्मा का जो कार्य है नर्क को खत्म कर स्वर्ग बनाने का, उसके लिए परमपिता परमात्मा स्वयं धरती पर इस ज्ञान को फैला रहे हैं कि मैं आ गया हूँ। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है, और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। दुनियावी सारी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वैभव हैं, साथी संबंधी हैं, पोस्ट पोजीशन है, सब कुछ, लेकिन खुशी नहीं है। तो सच्ची खुशी कैसे मिलेगी? जब हम परमपिता परमात्मा को पहचान लेंगे, उनके इस ड्रामा के राज को पहचान लेंगे, तो हमारे अंदर इच्छाएं जो हैं कि हम ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें, वो परिवर्तन हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी, परिवर्तन हो जाएंगी। दुनियावी इच्छाओं की जगह वो हमारी अलौकिक इच्छा मतलब आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तन हो जाएंगी, तो खुशी मिलेगी आप सबको। तो खुशियों की खान मिल गई, परमात्मा ही खुशियों की खान है। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है, सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सब के प्रति यूज करो, तो मालामाल अनुभव करेंगे। तो खजाना क्या मिला हुआ है? परमात्मा ही खजाना है, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही खजाना है। और डिटैच होकर के, साक्षी होकर के परमात्मा से ही सारी इच्छाएं रखना, यही सबसे ऊंचा खजाना है। जो लोग आज इच्छाएं रखते हैं लोगों से, इंसानों से, चीजों से, वस्तुओं से, वैभवों से, उससे डिटैच करके उनको परमात्मा से जोड़ना ही सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा खजाना है। तो अपने प्रति यूज करें और के प्रति भी यूज करें, औरों को भी बताएं कि कैसे परमात्मा से जुड़ना चाहिए। तो ये सब कुछ सिखाया जाता है परमपिता परमात्मा द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। स्वयं भगवान ही शिक्षक बनकर के सिखाते हैं। तो हम भक्ति में समझते हैं कि भगवान सिर्फ परमपिता है, लेकिन अब वो सिर्फ परमपिता नहीं रहे, वो परमपिता भी हैं और परम शिक्षक भी हैं और परम सद्गुरु भी हैं। ऐसा गुरु जो कि सारी दुनिया की आत्माओं को अपने साथ वापस परमधाम लेके आता है। दुनिया भी जो भी गुरु हैं वो आए चले गए, लेकिन वो अपने साथ किसी को लेके नहीं गए, वो तो आए और उन्होंने और वृद्धि करी है अपने धर्म की। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि मैं जब आता हूँ मैं एक सद्गुरु हूँ जो कि सबको लेकर वापस जाता हूँ। यही डिफरेंस है धार्मिक गुरुओं में और परमपिता परमात्मा जो कि धार्मिक गुरुओं के भी पिता हैं। ओम शांति इसके साथ।